Fish! रमेश रमेश आके खोलो, रमेश आके खोलो, रमेश रमेश आके खोलो, रमेश आके खोलो, रमेश रमेश आके खोलो, आके खोलो रमेश, उठो रमेश, रमेश रमेश आके खोलो, रमेश के लिए ही जीते हैं और दूसरे लोग मरने के लिए जीते हैं और मैं उन दूसरों में से मैं हूं। मंत्री ने अपने आदमी भेज के उसे मार डाला। अच्छे आदमी को कैसे जिंदा रहने देंगे? सुनिए जी, हमारे बेटे को कुछ हो जाएगा, जाकर ढूंढिए ना, हमारे आदमी को भेजकर ढूंढिए। क्यों ढूंढे? मेरा बेटा भाग करके नहीं छुपेगा, सामना करेगा, वो लड़ाई करके जीतेगा, इस लड़ाई में वो जीतेगा। चिंता मत करो। ऐसा नहीं जी, उस मंत्री के बारे में सोचने से डर लगता है, गुंडे भेजकर आपको भी वो मारना चाहता था। सिंगम, फोन लगा के पूछो क्या है। आओ आओ, क्या घर तक चले आए? तुम्हें चुनाव में वोट देके जिताने वाली जनता के लिए पीने का पानी नहीं है। सवाल पूछने वाले को पदवी खोने के डर से तुमने उसे मार डाला। तुम जानते नहीं हो तुम किससे बात कर रहे हो? ए, जानकर बोल रहा हूँ, रमेश को मारकर उसको आतंकवादी और नक्सलाइट कहकर अखबार में छापने से वो सच्चाई हो जाती क्या? रमेश की मौत से मेरा कोई भी संबंध नहीं है, तुम जा सकते हो यहाँ से। किसमें संबंध है और किसमें संबंध नहीं है जानता हूँ मैं। हो सकता है रमेश की मौत के बारे में कोई ना पूछे, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो पहले मैं जान दे दूंगा। ये देख, मेरे पीछे जो खड़े हैं ये सब लोग मरेंगे, मगर उससे पहले तुम्हारा क्या हाल होगा जरा सोच कर देखना। दोनों करेक्ट है, हाँ करेक्ट है, ये लो पियो। क्यों? नहीं नहीं अध्यापक जी, अध्यापक आगे बैठे हैं इसलिए, परवाह नहीं पियो। नहीं चाहिए अध्यापक जी। पियो मेरा बच्चा, बिना दारू के दुकान गए कोई भी छात्र पास हुआ हो ऐसा इतिहास गवाह है। पियो 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 पियो। झटके से पीने से ही किक लगता है, सुनो अध्यापक के जैसे पियो पियो। बहुत पानी मिला दिया यार। आपको कम पड़ गया अध्यापक जी। नहीं, मेरा कोटा करेक्ट है। आपको कम पड़ गया, कम पड़ गया, बोलने से सुनो। कैसे बोल रहे हो? मैं सूंघ लूं तो मुझे नशा हो जाता है, लेकिन मैं तो सही हूँ।
तो आपको कम पढ़ाना, आप कौन है? आप कट पेरेंट है। कट पेरेंट का मतलब? मतलब माँ बाप भाड़ में गए, आपको तो कम पड़ गया ना। मेरे पास कितने छात्र पढ़े हैं, लेकिन तुम ही एक सच्चे छात्र हो। पुट पुट थोड़ा थोड़ा क्योंकि अभी से नशा चढ़ गया। बस 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 बस। अध्यापक जी, हाथों में कंगन और गले में हार पहनने की बजाय गले में सिंपल चेन पहनकर बैठे हैं। कैसे अध्यापक जी? आपका बड़प्पन दिखाना था ना? कोई भी आदमी आपके बाजू में बैठ गया उसको भगाना था ना? आप सदियों से पी रहे हैं, वो आपके बाजू में बैठ के सादा सिंपल सी बियर पी रहा है, उसे नीचे दिखाना चाहिए। ये वाइन शॉप में नहीं लिखा हुआ कानून है। मेरे प्रिय छात्र, तुझे नशा चढ़ गया है, जल्दी पियो, चलते हैं। क्या अध्यापक जी, क्या हुआ? डर गया क्या? नहीं। तू क्या रे? आप चुप बैठिए अध्यापक जी, सफेद शर्ट पहनने से कोई बड़ा भाई हो गया क्या? जाबे जा, अगर अध्यापक जी घूर के देखेंगे तो जल के राख हो जाएगा। ए, जल्दी पी, चलते हैं। देखा अध्यापक जी कैसा डर के चला गया। तुम खत्म करके आओ, मैं चलता हूँ। डर गए क्या? हेलो, हाँ बोलो भैया, अभी तो चालू किया है। अच्छा आदमी है। ओके, अध्यापक जी हम चले? ऐसा बोल रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, साला। गाड़ी निकालो, टाइम हो गया। क्या हो गया, तुरंत आने को बोल रहा है? छे, एक आदमी फोन करके मेरा दिमाग खराब कर रहा है। भैया वही है। दे साला। बोल बे। घबराओ मत सर, आपकी पत्नी और आपकी बेटी सुरक्षित है। क्यों साले, किसके साथ खेल रहे हो, तुझे मालूम है?
ऐसा कर दूंगा तुझे कोई ढूंढ नहीं पाएगा, समझा? इसलिए तो तुम मुझे ढूंढ रहे हो। क्यों बे, मजाक कर रहा है क्या? ए, अगर तू मेरे हाथ में दाग दाग आगे ना, तो काट डालूंगा मैं तेरे को। वो तो तुमने काट कर फेंक दिया ना। रमेश ने क्या गलती की थी? जिंदा आदमी को काट कर तुम आराम से रह सकते हो। देख, तुझे एक हफ्ते का टाइम देता हूँ मैं, तब तक नहर में पानी आ जाना चाहिए, नहीं तो जैसा तूने रमेश को काट कर फेंका था वैसे ही मैं तेरी पत्नी और तेरी बेटी को काट कर फेंक दूंगा।